दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मऊ टू मुंबई नई रेलवे लाइन के बारे में, क्योंकि 22 तारीख में इसका उद्घाटन किया गया था। आप लोगों को पता भी है, वीडियो भी हमने दिखाई हुई है। तो आज इसके बारे में नई जानकारी और नए अपडेट हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं, देने वाले हैं। तो हम बताएंगे कि मऊ टू मुंबई के लिए जो ट्रेन उद्घाटन किया गया है, ये ट्रेन क्यों नहीं चलाया जा रहा है। तो पूरा डिटेल से, पूरी अच्छे तरीके से जानकारियाँ आप तक हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की होने वाली है। पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स आज हम शो कराएंगे अपने मऊ जंक्शन और मुंबई। तो चलिए आइए हम बात कर लेते हैं मऊ टू मुंबई नई रेलवे लाइन के बारे में, पूरा डिटेल्स आपको शो कराते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, 22 तारीख में जब उद्घाटन किया गया था तो लोग काफ़ी उत्साहित थे, और पूरे मऊ में अनाउंस करवाया गया था कि मऊ टू मुंबई के लिए नई ट्रेन जो है कि आज उद्घाटन किया जाएगा, और हफ्ते में शनिवार के दिन से ये ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाएगी। और इसका लोकेशन भी शो कर रहा था उस दिन कि ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाएगी। वेयर इज़ माई ट्रेन का जो भी ऐप है उसमें चेक किए थे हम, तो उसमें सब कुछ शो कर रहा था। और जिस तरह से ट्रेन का उद्घाटन हो गया, सब कुछ प्रक्रिया इसकी ख़त्म हो गई, ट्रेन जब मऊ जंक्शन से निकल गई प्रयागराज के लिए, उसके बाद उसका लोकेशन बंद कर दिया गया। और हम बता दें कि ये जो ट्रेनें हैं, ये जो कोच आप देख रहे हैं, ये कोच किसी दूसरे का है। और इंजन की अगर बात करेंगे तो इंजन भी इसका दूसरे का है, क्योंकि जब ये ट्रेन चालू होगी 2024 में इलेक्शन के बाद, जिस तरह से इंदारा दोहरीघाट रेल लाइन का फंसा हुआ है, सब कुछ सीआरएस करने के बाद ट्रेन को नहीं चलाया जा रहा है, उसी तरह से सेम इसको भी नहीं चलाया जाएगा। क्योंकि 2024 में इलेक्शन के बाद इस ट्रेन का फिर से जो है कि संचालित हो जाएगा, और ये ट्रेन मुंबई टू मऊ के लिए चलना स्टार्ट हो जाएगी। और एक बात बता दें कि मऊ टू मुंबई के लिए ये ट्रेन, और इंदारा दोहरीघाट रेल लाइन के लिए ट्रेन, और ताड़ी घाट सोनोवल के लिए ट्रेन, ये तीनों ट्रेनें एक साथ में उद्घाटन किया जाएगा अच्छे तरीके से फिर से एक बार। और इलेक्शन के बाद से ये तीनों लाइनों पर ट्रेनें चलना स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे तो ऑलरेडी मऊ टू मुंबई के लिए ट्रेनें थी, मगर इस ट्रेन को इंदारा दोहरीघाट रेल लाइन पर चला देते। तो दोस्तों अपडेट आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और जैसे इस ट्रेन का कोई नया अपडेट आएगा, ट्रेन कब चलेगी, अपने वीडियो के माध्यम से हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे, और पूरी जानकारी अच्छे तरीके से हम ज़रूर देंगे। मगर फ़िलहाल इन लोग का रेलवे का पता नहीं, समझ में नहीं आता है। रेलवे एक भी उद्घाटन करता है, सीआरएस करता है, सीआरएस करने के बाद रेल को ही बंद कर देता है। चल लोग इंतज़ार में कि अब ट्रेन चलेगी, अब चलेगी, ट्रेन कोई चलती नहीं है। और इंदारा दोहरीघाट रेल लाइन पर जिस तरह से सीआरएस किया गया था, काफ़ी लोग उत्साहित थे कि चलिए अब सफ़र करना काफ़ी आसान हो जाएगा, मगर 8 महीने हो गए कोई ट्रेन को नहीं चलाया जा रहा है। और इसी तरह से अपने मऊ टू मुंबई के लिए जो ट्रेन ये चलाई गई है, इसी तरह से लोगों को, मऊ वाले लोगों को उत्साहित कर दिया गया है सिर्फ कि चलिए मऊ से मुंबई के लिए ट्रेनें अब चलना हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगी। मगर उत्साहित करने के बाद ठप हो गई ट्रेन, और सेम वही हालत हुई है जो इंदारा दोहरीघाट रेल लाइन की हुई है। तो रेलवे से रिक्वेस्ट है कि इंदारा दोहरीघाट रेल लाइन को भी जल्दी से जल्दी चलवा दें, और इस ट्रेन को भी अगर आपने उद्घाटन करवा दिया है तो इस ट्रेन को भी चलवा दें, ताकि पब्लिक को काफ़ी सहूलियत मिल जाए आने जाने के लिए। तो आप लोग की क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, जाइए कहीं नहीं। तो ये छोड़ दीजिए कि हफ्ते में जो मऊ टू मुंबई के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी, वो हमें लगता है कि 2024 में इलेक्शन के बाद ही ट्रेन चलाई जाएगी, क्योंकि सिर्फ ये उद्घाटन किया गया है। कोच की बात करेंगे तो कोच अलग है, और इंजन भी इसका अलग है। इनका जो भी कोच आने वाला है वो दूसरा कोच होगा, नया कोच होगा, और इंजन भी नया होगा। मगर फ़िलहाल सिर्फ उद्घाटन करना था तो इनको सजा कर उद्घाटन कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही हम जानकारियां देंगे, आगे क्या नई जानकारियां आएगी हम ज़रूर आप तक
बताने की कोशिश करेंगे और दिखाने की भी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को करना है, ताकि और भी न्यू वीडियो आपको इसी तरह की मिलती रहे देखने के लिए। तो आइए फिर मिलेंगे किसी दूसरे वाली इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ में। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ में।